अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम जिस पर्सन की स्केच करने वाले हैं तो आउटलाइन बनाएंगे, तो उनको सब लोग जानते हैं। वो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा ग्रो किए हैं, सबसे स्पीड में ग्रो किए हैं, और वो मेरे भी फेवरेट है, हो सकता है कि आपके भी फेवरेट हो। तो आप सबको उसको उनको जानते होंगे। सौरभ जोशी नाम है उनका। तो उनकी एक फ़ोटो मैंने देखी, मैंने सोची कि उसको बनाया जाए, लेकिन मैंने सोचा कि पहले सबके देख लेते हैं कि पहले सब ने कैसे बनाया है। तो मैंने जब देखा तो सब ने मुझे कुछ प्रॉब्लम पता चली, तो मैंने भी ट्राई की उसे बनाने की, तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम लगी। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने उसे बहुत बार ट्राई की उसे ठीक करने की। उनकी एक फ़ोटो है जो उनकी यूट्यूब में भी फ़ोटो लगी हुई है, वही फ़ोटो। तो उसे बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अच्छे से अगर सही से बनाया जाए तो अच्छे से बन पाएगी। मैंने बहुत ट्राई किया बनाने की, लास्ट में जाके मुझे अच्छे से मिल गया कैसे बनाया जा सकता है। वो बहुत इजी मेथड है जो जिससे मुझे मिला कैसे बनाते हैं। वो आप बचपन से सीखते आ रहे, जैसे शेप से हमें उनकी सब कुछ फेस पार्ट्स बनाने हैं। वैसे तो फेस उनके डिफिकल्ट है थोड़े से, उसी वजह से सबको दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो गाइज, हम हर चीज़ के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि आईज़ के लिए एक आई के लिए एक बॉक्स, दूसरे आई के लिए दूसरे बॉक्स, तो वैसे करके। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ अभी। ऐसे आपको धीरे धीरे एक बॉक्स बना लेना है। ऐसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ऐसे मैंने एक बॉक्स बना दी एक आई के लिए, वो होगी। और फिर दूसरे बॉक्स बनाऊँगा दूसरे आई के लिए हो जाएगी। आपको डिस्टेंस भी देखना है कि कितना होना चाहिए, तो इससे आप अच्छे से कर सकते हैं कि आई की साइज़ और डिस्टेंस ऐसे बॉक्स में करके आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगी। और आईब्रो के लिए भी आप दे सकते हैं ऊपर में सेमी सर्कल जैसे, जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे आईब्रो के लिए आप भी दे सकते हैं। तो इस मेथड का आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी होगी किसी की भी फेस बनाने की। अधिकतम सबको आउटलाइन बनाने में दिक्कत होती है, स्केचिंग सबको ये सीख लेते हैं कुछ दिनों में, लेकिन आउटलाइन बनाने में ही सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वीडियो से आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक फेस की पूरी अच्छे से बॉक्स उस करके बना दी, तो अभी तो ये आपको ख़राब लग रही है, लेकिन जब पूरी बन जाएगी तब अच्छी लगेगी। तो होप कि आपको भी अच्छी लगी, मुझे तो लगी थी, मैंने ये बहुत बार प्रैक्टिस किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ये सही में काम भी करती है, ये तरीका ये टेक्निक काम भी करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी इजी हो इस मेथड से बनाने में। तो देखते रहिए, वैसे ही बना रहे हैं। वैसे ही आप देख रहे कि वो तो चश्मे भी पहनते, तो उनके चश्मे का भी लाना है। तो एक बॉक्स के अंदर एक चश्मा कैसे करके ऐसे ही करके हमें फिट करना है, कितना बड़ा होना चाहिए चश्मा, तो कैसा लगेगा, कितना बड़ा है, फ़ोटो के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा, रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ की मैं आप देख रहे हैं कि एक तरफ की मैंने चश्मे की बना ली है, अब दूसरी तरफ की बना हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके बना हुआ। अभी स्टार्टिंग में आपको ख़राब लगेगी, लेकिन अगर आप इसे लास्ट तक देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कामदायक है, इसे आप आराम से बना सकते हैं। इसमें बनाने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज़ भी नहीं होगी, इसमें आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा, जैसे हम अगर फ्री हैंड बनाते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं तो हमें बड़ा छोटा बना देते हैं एक ठू है। तो पहले आप जैसे अगर बॉक्स बना दीजिएगा जैसे मैंने बनाई, तो उससे आपको दोनों बॉक्स की मतलब चौड़ाई देखने में मिलेगी कितने बड़े हैं दोनों बॉक्स। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से आउटलाइन बनाने शुरू कर दे फिर उसको मिटाना फिर आउटलाइन बनाना, तो उससे बिगिनर से गलती हो सकती है और वो पेज भी ख़राब हो सकता है। तो पहले आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल करें, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तो देखते रहिए, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, इससे तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि थोड़ी सी टाइम लगी थी इसे बनाने में। तो वैसे ही मैं बना रहा हूँ बॉक्स, उस बनाने के बाद मैं उसके अंदर मैं आइज़ नोज़ ये सब डाल रहा हूँ। तो देख रहे कि मैं अब नोज़ बना रहा हूँ, थोड़ी सी गलती होगी तो आप मिटा भी आराम से सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो।
और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि उन्हें भी, अगर वो भी ड्राइंग पसंद करते हैं और वो भी करना चाहते हैं, तो इससे उन्हें भी कुछ सीख मिले और वो भी कुछ सीख पाए। और कमेंट करना ना भूले, आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो आपको मतलब काम दे रही है कि नहीं, आपको आपके लिए सही से आपके मतलब बता पा रही है, मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं आपको, ये सब आप बता सकते हैं कमेंट में। तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।